नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौरा एक्सप्रेस। सालों से खस्ता हाल पड़ी पंचायत घर की बिल्डिंग को तोड़ते वक्त बिल्डिंग के लेंटर के नीचे दबकर चार मजदूर घायल हो गए, जिनमें से दो को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाव में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। हादसे के दौरान आसपास में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल चारों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। अस्पताल में दर्द से कर्रा रहे ये वो मजदूर हैं जो जर्जर पंचायत घर भवन को तोड़ते समय हादसे में घायल हुए हैं। जनपद बिजनौर के चांदपुर इलाके के गांव खद्दन सियाली ग्राम पंचायत सुजालपुर में सालों से एक पंचायत घर जर्जर हालत में पड़ा हुआ था। सरकारी खातों में बजट ना होने के कारण बिल्डिंग का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था। ग्राम प्रधान द्वारा बजट का प्रस्ताव भेजकर बिल्डिंग को मजदूरों द्वारा तोड़वाया जा रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग भर भराकर नीचे गिर गई, जिसमें काम कर रहे चार मजदूर दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें चिकित्सकों ने दो को हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जबकि दो में मामूली चोट बताई जा रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि बिल्डिंग गिरने का मुख्य कारण है कि निर्माण के दौरान इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए तोड़ते समय बिल्डिंग अचानक भर भराकर गिर गई। फिलहाल सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। देखिए चांदपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या क्या हुआ आप गांव में? हमारे गांव में एक जर्जर पंचायती घर था, बिल्कुल खराब था। उधर कई महीने हो गए अधिकारियों से कहते कहते कि इसे तुड़वा दो, सही कराओ वो। फिर हमने उसकी MB बनवा ली, इस्टीमेट बनवा लिया, फिर उसे मैं ठेका दे दिया। तो ये मिस्त्री साहब तोड़ने के लिए आए थे, तो ये तोड़ रहे थे, लिंटर बहुत ख़राब था। ठेकेदार माल तो लगाते नहीं कुछ, सर ये भी कटिंग के लगा रखे थे उसमें, खाद्य कटिंग के, और बिल्कुल ख़राब था। जैसे उन्होंने घन जा कर तो बजाया, घन जा तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ लिया और सारा ही गिर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।